स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छी तरह याद होगा कि हमने सबक नंबर एक मिर्जा मोहम्मद सईद जो है वो शुरू किया हुआ है और इस हवाले से हमने सबक को पढ़ा, उसके अल्फाज मानी वासे किए, साथ साथ हमने सबक को अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश की और ये पता चला कि ये खाका है मिर्जा मोहम्मद सईद का जो शाहिद अहमद दिल ने लिखा है बड़े खूबसूरत अंदाज में और उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं का उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इहाता किया है। तो इसके साथ हमने फिर कर लिए मश्किल सवालात। मश्किल सवालात के बाद अब जरूरत बात की है कि इस से कोई एक पैराग्राफ जो नमूने को उसकी हम तशरीह करने में थोड़ा सा अच्छे अंदाज में जो है और पासों के समझा के साथ साथ हमें ये भी मालूम हो जाए कि तशरीह करने का तरीका कार क्या है, क्योंकि जाहिर है नाइन्थ में आपने सीखी है लेकिन टेंथ में अभी तक हमने इस वाले से कोई मशक नहीं की, तो दोबारा से हम इसको ताज़ा कर लेते हैं कि किस अंदाज में जो है वो इसको के किसी एक पैराग्राफ की तशरी को करके। तो इससे पहले एक अच्छी सी बात शेयर करती हूँ और जो वो बात है खूबसूरत सी वो आपके सामने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं? सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालदैन की नाफरमानी करना, यानी सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है और इसके हवाले से कुरान पाक में सूरह इख़लास भी मौजूद है जो इस बात की निशानदेही करती है कि अकेला अल्लाह ताला अकेले ही इस पूरे कायनात का निज़ाम जो है वो चला रहे हैं। और दूसरा जो इसमें साथ ही बात बता दी, इतने बड़े गुनाह के साथ एक और बड़ी बात बता दी कि वालदेन की नाफरमानी करना, यानी वालदेन जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर देते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी तमाम ख्याल रखते हैं और ढेर सारा प्यार भी देते हैं, तो अब इतने सारे एहसानात के बदले में अगर वो हमें कुछ कह रहे हैं और हम उनकी बात ना माने तो जरा सोचिए कि ये कितनी बुरी बात होगी कि हम अपने वालदेन की हुक्म अदूली करें। तो हमें अपने वालदेन की हुक्म अदूली भी नहीं करनी, यानी ये गुनाह इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला के इसका हुक्म आया। जिस तरह जहां जहां नमाज का जिक्र आया वहां वहां ज़कात का जिक्र आया, यानी बता दिया गया इस बात को कि जहां जहां नमाज फर्ज है उसी अंदाज में ज़कात भी बहुत अहम है और बहुत बड़े फर्ज की हैसियत रखती है। बिल्कुल इसी तरह शिर्क के साथ ही जब इस बात का जिक्र किया गया तो इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि हम इस बात को बहुत मामूली समझते हैं और वालदेन की अक्सर बात नहीं मानते या और उन्हें या जवाब दे देते हैं पलट के, तो ये कितना अल्लाह ताला इसे कितना बड़ा गुनाह तसव्वुर कर रहे हैं। तो हमसे इसके हवाले से होगी तो बेहतर है कि हम अभी इस दुनिया में रहते हैं कि हमें कुदरत ने मौका दिया है तो हम कोशिश कर लें कि हम वालदेन की हुक्म हर हुक्म को माने और उन क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े मुखलिस हैं, उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, तो कोशिश करें कि जो वो कहें वो हमारी बेहतरी के लिए होता है तो उनकी बात को हम जरूर माने। तो जो पैराग्राफ है वो मेरे सामने है और यकीनन आप सबके भी सामने होगा क्योंकि मैंने मार्क करवा दिया था। दोबारा बता देती हूँ कि पेज नंबर 15 यानी पेज नंबर 15 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमने मार्क किया था। तो जरा निकाल लीजिए किताबें, साथ साथ अपनी पेंसिलें भी सामने रखिए और आपके सामने पैराग्राफ जो मुख्तसरन है वो यहाँ मौजूद है कि हमने जो फर्स्ट थ्री लाइन है उसके बाद पैराग्राफ शुरू होता है, मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। पतरस के सिलसिले में दो एक दिलचस्प वाक्यात याद आ गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक शागिर्द मुझे इस्लाह दे, यहाँ तक हमने इसकी जो पैराग्राफ की तशरीह करने के बारे में सोचा है और पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया था। तो अभी मैं थोड़ा जो है वो रुकती हूँ, आप यूं कीजिए कि पैराग्राफ को पढ़िए और तमाम मुश्किल अल्फाज को अपने जहन में वाज़े कीजिए, तो साथ साथ देखिए कि हम इसके पैराग्राफ की तशरीह किस अंदाज में कर सकते हैं, इसमें क्या बातें बताई गई हैं ताकि जब तशरीह आपके सामने आए तो अच्छे अंदाज में आप उसे समझ सकें। तो थोड़ा रुकती हूँ, आप तब तक इस पैराग्राफ को पढ़िए अच्छे अंदाज में।
जी, तो पढ़ लिया होगा आप सबने, और मुझे ये भी उम्मीद है कि जैसे जैसे अल्फाज वानी बताए जा रहे हैं आप वैसे वैसे उसे याद भी कर रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ, और साथ साथ आप देख लीजिए कि हवाले मतन जो है, जाहिर है कि वो पहला हिस्सा है इसका, तो हवाले मतन जो है वो आपके सामने है। सबक का उनवान है मिर्जा मोहम्मद सईद है, और मुसनिफ का नाम है शाहिद अहमद देलवी। माखज जो है इसका गंजीने गौहर है, यानी जिस किताब से ली गई है। इसका लिखना या ना लिखना जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो जाहिर है कि मुमतहिन पे एक अच्छा असर पड़ेगा कि बच्चे ने अच्छी तरह तैयारी की हुई है। जहनी तौर पर वो तैयार हो जाएगा कि मुझे आगे बहुत अच्छा सब कुछ मिलने वाला है। और अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ आते हैं, अगरचे मैं बता चुकी हूँ आप सबको सारे, लेकिन फिर दोहरा देती हूँ। दिलचस्प इसमें एक मुश्किल लफ्ज है, और उसका मफहूम है दिल को लुभाने वाले। रस्मो राह मुलाकात है, मिलना जुलना है। आमादा का मतलब जो है वो राशि करना है। नशर करना से मुराद है कि हवा में फैलाना है। आपको पता है कि रेडियो से जब कोई भी चीज नशर होती है तो हवा के जरिए हम तक ही पहुंचती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मुहायदा। शुदा शुदा का मफहम है होते होते। और दरियाफ्त किया, पूछा, इसलाह जो है दुरुस्ती। तो ये तमाम मुश्किल अल्फाज जो हैं वो इस पैराग्राफ में मौजूद थे, और आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि हवाले मतन के बाद हम जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मानी वजह करते हैं। सम अक्सर औकात ये होता है कि जो पैराग्राफ है उसमें मुश्किल अल्फाज के नीचे खत कशीद दिया जाता है, यानी खत कशीद अल्फाज के मानी लिखने होते हैं। और अक्सर औकात ऐसा नहीं भी होता, तो फिर जरूरी ये होता है कि तमाम जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी जो है वाजा कर दिया जाए। तो आगे चलते हैं आगे। अब चूंकि सवाल अगर आपने पढ़ा है ध्यान से, मैं दोबारा आपके सामने ले आती हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ की तशरीह माह हवाले मतन कीजिए, नीज मुसनिफ और सबक का नाम भी तहरीर कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सियाको सबक मैंने नहीं पूछा है, लेकिन फिर आपको अच्छी तरह समझा दूं कि जब हम पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो पूछा जाए या ना पूछा जाए, हमें कम अज कम सबक का जो सियाको सबक है वो देना ही पड़ता है। अगर पूछा है तो फिर हम उसके लिए बाकायदा एक हेडिंग बनाते हैं, और उसके मुताबिक जो है वो हम सियाको सबक लिख देते हैं। लेकिन अगर नहीं पूछा गया तो फिर हम इक्तबास की तशरीह की हेडिंग के तहत ही लिखते हैं। सियाक का मतलब यानी सबक से वो जो पैराग्राफ हमें तशरीह के लिए दे गया उसके ऊपर जो बातें बयान हुई हैं उन्हें किसी हद तक जो है वो बता दिया जाए मुख्तसरन। जाहिर है पूरा सबक तो नहीं हमने लिखना, मुख्तसरन बता दिया जाए, और फिर पैराग्राफ के बाद जो कुछ है उसको भी मुख्तसरन बता दिया जाए ताकि जो मुमतहिन है उस तक सारी बात जो पहुंच जाए। कोई शक नहीं कि वो जानता है सब कुछ, लेकिन आपसे तशरीह के हवाले से इसी बात की तवक्को की जा रही होती है। तो आगे पैराग्राफ की तशरीह है, और मैंने उनवान दिया हुआ है इक्तबास की तशरीह। तो ये कुछ बातें जो हैं वो मुसनिफ के हवाले से भी कि उन्होंने इसमें किस तरह लिखा है। एक दो लाइनें अगर हम इस हवाले से लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। शाहिद अहमद देहलवी मंझे हुए खाक का निकार है। मंझे हुए से मुराद है कि माहिर होना, यानी बहुत अच्छे खाके जो है वो लिखते हैं। उन्होंने मिर्जा अहमद की जिंदगी के हर पहलू का इहाता किया है, यानी हर पहलू पे नजर डाली है, और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने खाका लिखा है कि उनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी को 4-5 सफों में बहुत अच्छी तरह वासे करके बयान कर दिया है। हम मतलब हम जब पढ़ लेते हैं ये खाका तो हमें ये महसूस होता है, अगरचे हमने ने उनसे मुलाकात नहीं की है, लेकिन किसी हद तक उनकी शख्सियत पूरी खुलकर हमारे सामने आ जाती है। मुसनिफ ने मिर्जा की जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। उन्हें मिर्जा के अचानक और खामोशी से इस दुनिया से रुखसत होने का बड़ा दुख है। इस बात का इजहार हो चुका है सबक में। वो कहते हैं कि मिर्जा खामोश तबा थे, जानते हम, उन्हें फरमाइशी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका ताल्लुक एक मतवफिल घराने से था। वो जामिउल उलूम हस्ती थे। उनके शागिर्दों में प्रतिस बुखारी और इम्तियाज अली ताज जैसे नामवर शख्सियात शामिल थी। उनकी अजीजदारी सर सैयद और जकाउल्ला से थी। तो इतना काफी है सियाक के हैसियत से कि एक उनकी शख्सियत के चंद पहलू जो है वो हमारे सामने आ गए। अब हम आते हैं जिस पैराग्राफ की हमने तशरीह करनी है। जेरे नजर नसर पारे में पतस बुखारी से मुतलका एक वाक्य का जिक्र किया गया है। पतस शागिद होने के हवाले से मिर्जा का बहुत एहतराम करते थे। जब वो
ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हुए तो ओहदा मिल जाने के बावजूद उनकी आजजी और इंकसारी में रत्ती बराबर फर्क नहीं आया। अपने पुराने साथियों और मिलने मिलाने वालों से अब भी वो उसी प्यार और मोहब्बत से मिलते थे जैसे पहले मिलते थे। प्रतस ने बड़ी कोशिश करके किसी तरह मिर्जा को इस बात पर राजी कर लिया कि वो रेडियो से कभी कभी अपनी तकरीर नशर किया करें, क्योंकि उनका ख्याल था इससे रेडियो की मकबूलियत में इजाफा होगा। इसी हवाले से मुहादे पर दस्तखत हो गए। शुरू में तो ये सिलसिला बहुत अच्छे अंदाज में चलता रहा, बाद में मिर्जा ने मुहादा वापस कर दिया। इस तरह ये बात प्रतस को मालूम हो गई कि मिर्जा नाराज हो गए हैं। फौरन मिर्जा की खिदमत में पहुंचे और नाराजगी की वजह जानना चाहिए तो मिर्जा ने जवाब दिया कि तुम्हारी तालीम व तरबियत कर देने के बाद मैं इस बात को गैर जरूरी समझता हूँ कि तुम्हारे शागिर्द मेरी तकरीरों की काट छांट करें। ये सुनकर प्रतस हैरान रह के वापिस आए और तकरीरों के शोबे के इंचार्ज को मिर्जा को मनाने का कहा। उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत करके मिर्जा को मनाया और दोबारा मुहादे पर दस्तखत करवाए। ये तो वो पैराग्राफ है जो हमारे सामने था और उसको हमने वाजे किया है, मतलब हमने कम से कम इतना आसान कर लिया कि हर पढ़ने वाला समझ सकता है कि क्या वाक्य है और किस हवाले से इसमें बयान किया गया है। अब आखिरी दो तीन लाइनें जिनके हवाले से हम सबक को खत्म करेंगे पैराग्राफ की तशरीह के साथ। मिर्जा मोताले के बहुत शौकीन थे, सादा जिंदगी बसर करते थे, इसीलिए उन्होंने पुरसकून जिंदगी बसर की। उनकी मौत से जो खला पैदा हुआ है वो कभी पुर नहीं हो सकेगा, जमाना उन्हें मुद्दतों याद रखेगा। तो कम से कम हमें ये समझ आ गई कि हमने तशरीह कैसे करनी है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको, ताकि आपके पास रहे और आप जो सबक में मजीद पैराग्राफ दिए गए हैं और जो आपको मुश्किल लग रहे हैं उनकी इसी अंदाज में तशरीह करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी मश्क हो जाए और आप इम्तिहान की किसी मुश्किल में शरीक ना हो। अच्छा, अब चूंकि हमारा ये सबक खत्म हो गया और खुलासे के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि आपने खुलासा खुद याद करना है। सबक इतना वाज़े हो गया है कि आपको तमाम बातें अजबर हो गई होंगी और आप आसानी से खुलासा लिख सकती हैं। बहरहाल अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं लिख सकते तो प्लीज याद कर लीजिए, और याद इसलिए भी करना जरूरी है कि इसके पूरे 5 नंबर बनते हैं और लापरवाही अगर हम करेंगे तो फिर वो 5 नंबर जो है हम खो देंगे। तो चलते हैं अब अगले सबक की तरफ, और अगला सबक जो मेरे सामने है वो है नज़रिए पाकिस्तान। तो प्लीज खोल लीजिए और जो पेज नंबर है मेरे पास मौजूद है इस वक्त 21, यानी सफा नंबर 21। तो सबक के जो मुसन्निफ हैं वो हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान, और इनका जो साले पैदाइश है वो 1912 है और साले वफात जो है 205 है। मैं साथ साथ अल्फाज में नहीं आपके सामने लेकर आ रही हूँ और साथ साथ पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। पेंसिल अपने हाथों में रखिएगा, तलफ्फुज पे भी आपकी तवज्जो रहे और जितने मुश्किल अल्फाज हैं वो सामने आपके आते रहेंगे। जबलपुर में पैदा हुए, 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फारसी की डिग्रियां हासिल की। यानी कि हमारे सामने तीन बातें जो है वो वाजियों के सामने आ गई कि जो डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान है वो कहाँ पैदा हुए, वो जबलपुर में पैदा हुए हैं, जगह का नाम है, और 1928 में इन्होंने 1912 पैदाइश है तो 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल इनके स्कूल का नाम है जो कि जबलपुर में ही है, वहां से 9वीं का इम्तिहान पास किया और उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चले गए और वहां से यकीन बके की तालीम भी हासिल की, और वहां से फिर उन्होंने LLB किया जो लॉ के हवाले से डिग्री होती है, MA उर्दू किया और MA फारसी की डिग्रियां हासिल की, यानी दो जुबानों में इन्होंने MA कर लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद आगे देखते हैं कि 1947 में PhD उर्दू किया, नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में डिलिट की डिग्री हासिल की। डिलिट कहते हैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर को,
और ये उर्दू में आगे एक डिग्री होती है जो लोग हैं हासिल करते हैं। तो फिर इसके बाद इन्होंने 1947 में उर्दू में पीएचडी कर लिया और साथ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री जो है इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में हासिल कर ली। अमली जिंदगी का आगाज किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती से बतौर लेक्चरर किया, यानी किंग एडवर्ड कॉलेज में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए, यानी कराची में जो उर्दू कॉलेज था वहां जो है इन्होंने जो वाबस्तगी है वो अख्तियार कर ली, वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर सिंध यूनिवर्सिटी में शोबाए सद सद सदरे शोबाए उर्दू के तौर पे खिदमत अंजाम दी। इन्हें सितारा इम्तियाज, नकूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशाने सपास मिला। तो ये चार जो हैं इन्हें इनामात से एजाजात से नवाजा गया, उसमें सितारा इम्तियाज है, नकूश अवार्ड है, इकबाल अवार्ड है और निशाने सपास है। तो अब हमें अंदाजा हो गया कि जो डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान है कहाँ पैदा हुए, यानी जबलपुर में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1912 में पैदा हुए और 1928 में इन्होंने अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं का इम्तिहान पास कर लिया। फिर अलीगढ़ चले गए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB, MA उर्दू और MA फारसी की डिग्रियां हासिल की। और फिर 1947 में इन्होंने PhD उर्दू में कर लिया। और फिर नाग यूनिवर्सिटी से इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री इन्होंने हासिल की। किंग एडवर्ड कॉलेज में बतौर लेक्चरर हुए मुंतखब। और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो फिर उर्दू कॉलेज कराची और उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी में सदरे शोबाए उर्दू की खिदमत अंजाम दी और इन्हें चार खसूसी एजाजात से नवाजा गया। अगले पैराग्राफ में देखते हैं और यहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपके सामने हैं। आगाज का मतलब शुरू है, वाबिस्ता का मतलब जुड़े हुए। उन्होंने मजहब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ और अखलाक जैसे मौजूदात पर लिखा। यानी हर इंसान का एक दायराकार होता है जिसके तहत वो कलम उठा लेता है। तो इनके सामने जो ये पांच मौजूदात हैं ये खासतौर पे हमेशा पेश नजर है। उसमें एक मजहब है, फिर पाकिस्तानियात है और इसी हवाले से आप देख रहे हैं कि सबक नजरिया पाकिस्तान आपके उसमें किताब में शामिल है। फिर अदब है, तसव्वुफ है और अखलाक है। इनकी तहरीरें ज्यादातर मुअर्रब और मुफर्रस होती हैं। मुअर्रब का मफहूम यह मालूम है कि दूसरी जुबान का लफ्ज जिसे अरबी बना लिया हो। मुफर्रस का मतलब है दूसरी जुबान का लफ्ज जिसे फारसी बना लिया गया हो। आपको मालूम है कि उर्दू में भी बहुत सारी जुबानों के लफ्ज जो हैं वो शामिल है और उन्हें उनका हिस्सा समझा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह के मुफर्रस, जाहिर है उन्होंने फारसी में MA किया हुआ था तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो वो बहुत सारे दूसरी जुबानों के अल्फाज भी फारसी में शामिल करते चले गए। आम कारीन के लिए लिखे गए मजामीन और कुतुब की जुबान सादा, सलीस और आम फहम है। यानी उन्होंने जो कारीन कहते हैं पढ़ने वालों के लिए, तो जो आम तबका था उनका पढ़ने वालों के लिए उन्होंने जो उनके लिए मजामीन लिखे या कुतुब लिखी तो उनकी जुबान सादा रखी ताकि सब आसानी से समझ सके। आम फहम का मतलब है सब की आसानी से समझ में आ जाए। उन्होंने उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी जुबानों में 100 से ज्यादा कुतब तसनीफ की। अब आपके सामने है कि चार जुबानों के नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब कि इन जाहिर है जब इंसान किसी जुबान में किताब लिखता है तो उसे उसमें महारत हासिल होती है, उसका जखीरा अल्फाज उसमें वसी होता है, फिर ही वो उसमें लिख सकता है। तो मिर्जा ने सॉरी डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने चार जुबानों में किताबें लिखी और उसमें उर्दू शामिल है, फारसी शामिल है, अरबी शामिल है और अंग्रेजी शामिल है। और तकरीबन 100 से ज्यादा किताबें जो हैं वो इन्होंने लिखी। इनकी कुतब में सैयद हसन गजनवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद और तहकीक अहम है। तो उनकी चार किताबों के नाम जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं और इस हवाले से आप जो है वो देख रहे हैं सामने। तो बहुत अच्छी तरह ये बात हमें समझ में आ गई कि डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान जो है वो मामूली हस्ती नहीं है बल्कि बहुत अजीम इंसान रहे और उन्हें चार जुबानों में महारत हासिल थी और इन्हीं चार जुबानों में उन्होंने किताबें लिखी और तकरीबन 100 से ज्यादा किताबें जो हैं वो शामिल की और उनके
जो मौजूद थे जिन पर वो आमतौर पर कलम उठा लिया करते थे, उसमें मजहब थे, पाकिस्तानियात थे, अदब थे, तसव्वुफ और अखलाक। तो इसी हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तानियात के हवाले से ही नज़रिया पाकिस्तान जो है हमारी किताब का हिस्सा है जिसे हम पढ़ेंगे। और जो उन्होंने आम लोगों के लिए किताबें और मज़ामीन लिखी तो उनकी जुबान जो है उन्होंने सादा रखी ताकि जो वो बात दूसरों तक तो पहुंचाना चाह रहे हैं वो आसानी से उनके पास जो है वो पहुंच जाए और वो उन्हें समझ सके। उन्हें उन्होंने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि मुश्किल जुबान इस्तेमाल करके वो दूसरों पर इस बात का रोब झाड़ सकें कि उनकी इल्मी काबिलियत कितनी है। तो यहाँ तक इस हवाले से हमने पढ़ा और हम इंशाल्लाह जो है वो कल सबक जो है नज़रिया पाकिस्तान पढ़ेंगे और उसके हवाले से जानेंगे कि उसमें क्या बयान किया है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने और हम तक क्या पहुंचाने की कोशिश की है। साथ साथ आपने खुलासे को जहन में रखना है और तो साथ साथ आपने इन्हें की याद आज जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया है। इस वाले से स्क्रीन शेयरिंग में खत्म करती हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि आपको सारी बातों की समझ आई है या नहीं आई। तो प्लीज साथ साथ मुझे बता दीजिए, एक तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ और दूसरा